टेक्नोसाइन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए टेक सरप्राइजेस रोजाना पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, टेक्नोसाइन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप अपने घर पे बैठे हुए अपनी एचडी टीवी पर अगर कोई भी क्रिकेट की मैच देख रहे हो तो फिर दोस्तों उसके पीछे बहुत ही लोग जो कि काम कर रहा है, जिसकी मदद से आप अपने घर पे बैठे हुए एसी पे आप उस टीवी को एचडी क्वालिटी में देख पाते हो। जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे बहुत सारी कैमरेज की जरूरत पड़ती है, हर एक अलग अलग एंगल से बहुत सारी क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी टीम की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, थर्ड अंपियर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, मतलब अल्ट्रा मोशन कैमरा उसके लिए यूज होती है, और जो 3D में आप देख पाते हो कि कोई भी LBW या फिर कोई भी रन आउट, कोई भी नो बॉल, वो सब आखिर कैसे काम करते हैं, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों, अगर क्रिकेट की बात करें तो फिर इंडिया में क्रिकेट तो मैं क्या है, हर कोई क्रिकेट का फैन है। तो दोस्तों, ये जो क्रिकेट मैच आखिर जो बहुत ही मुश्किल से ऑपरेट हो पाती है बहुत सारी कैमरे की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, एक मैच को कंटिन्यूअसली जो लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने के लिए और पूरा का पूरा जो सिस्टम, अंपायर्स वगैरह, इन सब का कंट्रोल करने के लिए लगभग 40 तरह की कैमरे की जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, और उसके लिए 100 से भी ज्यादा टीम की जरूरत पड़ती है, जो पूरा का पूरा जो सेक्शन उन सभी को संभालने के लिए। तो दोस्तों, अगर कोई भी T20 मैच चल रहा है तो उसकी अगर बात करें तो फिर उसमें आपको बहुत तरह की कैमरे की जरूरत पड़ती है, जैसे अल्ट्रा मोशन कैमरा और स्पाइडर कैम, स्टाम कैमरा, अंपायर कैमरा, फ्लेयर कैमरा, और भी तरह तरह की बहुत सारे कैमरे की जरूरत पड़ती है एक मैच को पूरी तरह से लाइव दिखाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो अल्ट्रा मोशन कैमरा। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी स्टेडियम में लगभग 7 तरह की अल्ट्रा मोशन कैमरा चारों तरफ लगा हुआ होता है। ये जो कैमरा हर एक मोशन को कैप्चर करते हैं, मतलब हम जो देखते हैं टीवी पर हर एक मोमेंट को एक कैप्चर करने के बाद आपको लाइव ब्रॉडकास्ट इंस्टेंटली दे पाता है। और ये दोस्तों बहुत ही हाई क्वालिटी की कैमरा होता है, मतलब 500 FPS/s की जो फ्रेम ये लोग कैप्चर कर सकते हैं इस कैमरे के जरिए, जो कि चारों तरफ पूरे स्टेडियम में लगा हुआ होता है। और उसके बाद दोस्तों, एक बहुत ही स्पेशल तरीके की कैमरा, वो आप हालांकि नोटिस करोगे, जो स्टेडियम है उसके ऊपर इर्द गिर्द वहां पर घूमने रहता है। जी हाँ दोस्तों, स्पाइडर कैम जो कि आपको स्टेडियम के ऊपर देखने में मिल जाएगा, वो क्या करता है दोस्तों, वो चारों तरफ से 360 डिग्री जो एंगल से वो वीडियो शूट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी, हालांकि कोई भी नामुमकिन सा अगर एंगल हो जो कि उस कैमरे की मदद से वो शॉट ले पाना बहुत ही आसानी से वो होता है। वो आपकी स्टेडियम पे चारों तरफ चारों रस्सी के जरिए टंगा जाता है, और वो जो रस्सी, वो बहुत ही हाई क्वालिटी की रस्सी होती है, जिसकी मदद से वो स्टेडियम की एक पार से दूसरे पार या फिर नीचे ऊपर ये सब हो पाता है। तो कोई भी शॉट अगर ऊपर से या फिर कोने से या फिर और भी दूसरे साइड से अगर लेने की जरूरत पड़ती है तो फिर स्पाइडर कैम को लाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि स्टाम्प कैम। जी हाँ दोस्तों, पिच की दोनों तरफ जो विकेट मौजूद रहती है, उस विकेट के बीच में दो कैमरे होते हैं पिच की दोनों साइड पे, जो कि विकेट पे लगा हुआ होते हैं। उस कैमरे की मदद से दोस्तों, कोई भी जो क्लोज एंगल शॉट, जो कि अगर आपकी जो बॉलिंग है वो स्टाम्प के हिट होती है या फिर नहीं, या फिर जो बैट्समैन की तरफ से कोई भी शॉट लेना हो, तो उन सब जो काम ये जो स्टाम्प कैम की मदद से होती है। उसके बाद दोस्तों, जो अंपायर कैम, जी हाँ दोस्तों, जो कि कोई भी अंपायर की जो सर के ऊपर जो टोपी है, टोपी पे वो लगा हुआ होता है, उसकी मदद से बॉलर की तरफ से जो बॉल जा रहा है बैट्समैन की तरफ, वो वाला शॉट जो पूरी क्लियर तरीके से शूट होती है। इसकी मदद से दोस्तों, कोई भी LBW शॉट हो या फिर कोई भी शॉट जो कि बैट्समैन की तरफ से अगर लेना चाहे, तो फिर वो सब शॉट इस कैमरे के जरिए रिकॉर्ड होती जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो कैमरा मौजूद रहते हैं उसे बोलते हैं हॉक आई, जो कि मैच की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमरा है, क्योंकि दोस्तों इस कैमरे की मदद से कोई भी अगर मूवमेंट हो उसे 3D में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो डिसीजन थर्ड अंपायर को लेने में बहुत ही आसानी होती है। मतलब कि ये हॉक आई दोस्तों स्टेडियम की चारों तरफ लगा हुआ होता है, और पूरा का पूरा जो चल रहा है मैच, वहां पर बॉल और फील्ड इन दोनों को 3D में कन्वर्ट कर देता है। फिर 3D में कन्वर्ट करने के बाद उसका एक प्ले जो कि
पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई भी बॉल LBW का कोई डिसीजन लेना पड़े तो फिर आप ये नोटिस करेंगे वो 3D में दिखाया जाता है, या फिर वहां पर बीच में से एक लाइन चला आता है उसकी मदद से, वो जो बॉल स्टंप की पास गया या फिर ऊपर से या फिर साइड से चला गया वो सब 3D में शो होती है। तो दोस्तों एक्चुअली में जो ए हॉक आई उसे कन्वर्ट कर देती है पूरा का पूरा मैच को 3D में, फिर उसे डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो जाता है थर्ड अंपायर, जो कि मैच के लिए बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ ये हॉकआई टेक्नोलॉजी क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन, फुटबॉल, सभी जो मैच है उन सब में ये जो हॉकआई टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्योंकि इससे जो डिसीजन लेना बहुत ही कम से कम डिस्टेंस में भी ये काम करते हैं। मतलब अगर आपकी जो बॉलिंग है वो पिच से अगर जरा से भी मिलीमीटर बाहर चला जाता है उसे भी ये मेजर कर सकता है ये जो हॉकआई। तो दोस्तों बहुत सारे कैमरास, बहुत सारी लाइट, बहुत सारी कंप्यूटर और बहुत सारी क्रू जो कि बैकग्राउंड में काम करता जाता है, जो स्टेडियम की जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर बैठकर ये सारा कंट्रोल रूम से कंट्रोल होता है और उसे लाइव ब्रॉडकास्ट हम लोगों की टीवी पे जो जल्दी से जल्दी भेज देता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की हाथ है, फ्री हम सब ये लाइव देख सकते हैं। और जो अंपियर्स वगैरह है उन सबको भी जो थर्ड अंपियर की डिसीजन वो लेने में बहुत ही आसानी हो जाता है इन सब कैमरेज की मदद से। तो दोस्तों एक क्रिकेट के मैच लाइव ब्रॉडकास्ट करने में बहुत सारे लोगों की जो मदद की वजह से वो मुमकिन हो पाता है। और उसके साथ साथ दोस्तों और भी नए नए टेक्नोलॉजी जो कि हर रोज इन्वेंशन होती जा रहे हैं, जैसे कि अभी तो इलेक्ट्रिक जो LED सिस्टम है वो विकेट की स्टंप पे लगा हुआ होता है, मतलब उसमें एक मोशन सेंसर होती है जो अगर कोई भी चीज उससे टकरा जाए तो फिर उसकी जो LED बल्ब जल्दी से ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। इसकी मदद से बहुत ही आसानी होती है कोई भी स्टंप वगैरह, कोई भी विकेट डिसीजन लेने में अंपायर्स को। तो दोस्तों अब के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, ये जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे प्लीज प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना एक नए नए तरह की वीडियो लेके आता हूं। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, अपना अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।